मेरे गुरु शमान विकू जी, सुरेश जी, कुमार दादा, और सबसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ। और आज़ाद भाई, विजय भाई, सबसे अनुमति प्रार्थना करता हूँ। तबले के बारे में कुछ बोलना तो है ही नहीं, यहाँ जगह भी नहीं है और अधिकार भी नहीं है और शिक्षा भी नहीं है मुझे इतना। मैं खोल के बारे में, श्री खोल जो गोपाल भाई बजा रहे हैं, एक मिनट कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में इस टाइप का खोल शायद बहुत ज़्यादा नहीं सुनाई पड़ता होगा। खोल कुछ 525 या 50 साल ऐसा, इतने साल पहले बंगाल में चैतन्य महाप्रभु जी बजाया करते थे, तब से जहाँ तक मुझे मालूम है तब से इसकी प्रचार हर जगह है। और एसेंशियली ये फोक इंस्ट्रूमेंट है। मैं गोपाल जी से अनुमति लेके बोल रहा हूँ कि जहाँ तक, जहाँ जहाँ डिवोशनल गाने के लिए रिलीजियस सॉन्ग्स इधर उधर कहीं भी हुए, खोल एक प्राइम जगह लेता था, भी ले रहा है। और जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे भारत में फोक से फिर मेन स्ट्रीम इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में आए, ताल वाद्य में भी और दूसरे साज में भी, ऐसे खोल का भी अलग अलग बानी है, बोल है, ताल है। तो उसमें हम जैसे तीन ताल दे के शुरुआत करेंगे, उसका जो खोल की हिसाब से जो तीन ताल का हिसाब का है उसको दस प्यारे बोलते हैं। तो वो ताल हम खोल से ही लेंगे, और मैं कोशिश करूंगा जहां तक गोपाल भाई को मैं उनके साथ चल सकूं, क्योंकि ये इनके साथ बैठने बजाने का, ये ऐसे कलाकार है, आप इनके कला से ही आपको मालूम होगा, आप देखेंगे कि कहां से कहां जा सकते हैं। और थोड़ा बाद में हमने सोचा थोड़ा रूपक थोड़ी देर के लिए बजाएंगे, जो खोल का ही ताल है, फिर उसको हम छोटो दस कशी बोलते हैं। तो जैसे रूपक का 3-2-2 होता है डिवीजन, उसका 2-2-3 होता है। फिर वापस तीन ताल में आएंगे, थोड़े बहुत कॉम्पोजिशंस बजाएंगे गोपाल भाई उनके जैसा, और मैं अपना तबले का जहाँ जहाँ जैसा शिक्षा मिला है उसके हिसाब से। तो आप सबसे अनुमति लेकर शुरू करते हैं, और विजय भाई को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं सोचता हूँ कि हम जितने ताल वाद्य की स्टूडेंट्स हैं, शिक्षार्थी हैं हम लोग, हम सब का ये एक सीखने का जो डिसिप्लिन है, वही हमें सीखा था कि ये भी हम करें, इसकी चर्चा हम करें, वही चर्चा की ये एक माध्यम है। जैसे ऐसे बड़ा माहौल तैयार करके आप लोगों के पास इसको पहुंचाने की कोशिश जो इन्होंने किया है, ये अनबिलीवेबल ट्राई है। ये हम सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी करें, हम इससे इंस्पिरेशन लेते हैं विजय भाई, कि हम भी कोशिश करेंगे कभी करने के लिए। बहुत शुक्रिया। Thank you.